न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की परतापुर कोतवाली में जमकर फल फूल रहा है तेल चोरों का कारोबार। भारत के प्रथम रीजनल रेल निर्माण में लगी L&T कंपनी के कई बड़े वाहनों से चोरी करके निकाला जाता है हजारों लीटर तेल। जहां जिले में SSP प्रभाकर चौधरी के चार्ज लेते ही जिले के सभी अवैध धंधे बंद हो गए हैं, वहीं परतापुर क्षेत्र में तेल माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह वाहनों से तेल चोरी करने से बास नहीं आ रहे हैं। दरअसल भारत के प्रथम रीजनल रेल निर्माण में लगी L&T कंपनी के कई बड़े वाहन निर्माण कार्य में लगे हैं, जिनसे चालक व परिचालक तेल माफियाओं की मिलीभगत कर L&T के वाहनों से तेल चोरी करा रहे हैं। ऐसा ही मामला सोमवार दोपहर देखने को मिला। L&T यार्ड के पीछे छिपकर ट्रक से तेल चोरी कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया और ट्रक चालक के ड्रम और कैन कब्जे में लेकर ट्रक चालक व तेल माफिया को सांठगांठ कर छोड़ दिया। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ने रंगे हाथों आरोपियों को सबूत के साथ पकड़ा तो, लेकिन बिना किसी कार्यवाही के तीनों आरोपियों को छोड़ भी दिया। कैमरे का हाथ निकल गया, क्यों निकाल रहा भाई तेल? हैं? निकाल कहाँ रहा है? तनख्वाह नहीं मिलती और ये क्या हो रहा है? ये डाल रहा है इसमें? हैं? डाल रहा है क्या इसमें? नहीं। हाँ भाई, तनख्वाह नहीं मिलती क्या तुमको? नहीं। ये मालिक का नंबर है तुम्हारे? क्या नाम तुम्हारा? तेरा क्या नाम है भाई? संजय। क्यों निकाल रहे हो तेल? ये गाड़ी ना हवा लेने पे आ गई है। अच्छा अच्छा, तो ठीक साफ कराना है, भी कचड़े आ गए। ठीक ठीक ठीक। PTNI न्यूज के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट। प्रथम TV न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।